नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बता दें, इसके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2024 है, जिसकी जो है रात के 11 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो आप जो तत्काल फॉर्म को भर दीजिए। बता दें आपको जो टोटल सीट्स जो इसमें दी हुई है, यानी कि कुल पद, तो ये जो आप आपको दिखा दूं मैं हाईलाइट करके, ये देख सकते हैं कुल जो है इसमें 17,727 पद है। बाद में ये घट और बढ़ भी सकते हैं। अलग अलग पोस्ट का डिटेल्स जो बाद में जारी होगा, तो जब जारी होगा तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी और रोजगार से साथ ही साथ SSC की वेबसाइट पे भी जाके इसका डिटेल्स देख सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर। बता दें आपको, इस वीडियो में हम पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाएंगे, पेमेंट मेथड दिखाएंगे, लाइव फोटो लगनी है वो कैसे लगनी है वो लगाएंगे, सिग्नेचर कैसे रिसाइज करना है वो भी बताएंगे, सारी जानकारी आपको देने वाले। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं अप्लाई का बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं CGL का ऑप्शन आ चुका है। इसके ठीक सामने अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई का आपको बटन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है। रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR, अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे, और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसका भी वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, चैनल पर उपलब्ध है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग इन करेंगे। एक चीज और बता दूं, अगर आपने पहले से SSC का OTR रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप अपना जो पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का लिंक है, जहां से आप अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन जो आपने पासवर्ड अपना बनाया था वो पासवर्ड डालना है। इस कैप्चा को जो यहाँ पे दिख रहा है, उस कैप्चा को आपको यहाँ पे लिखना है। उसका जो लॉगिन वाला आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये देखिए लॉगिन वाला बटन, इस पे आपको लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपको जानना है कि आपने इससे पहले कितने फॉर्म जो है किए हैं आवेदन, जो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको दिख रही है, इसको आपको रीड करना है। रीड करने पर यहाँ पे अप्लाई का आपको बटन दिखाई देगा छोटा सा, ये देख सकते हैं मैंने चारों घेरे में घेर दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप जो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, जिसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि जो आपका फोटोग्राफ लेनी है लाइव, हो तो या तो आपको अपने स्मार्टफोन से लेनी है या तो वेबकैम से लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका साइज 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है कि साइज दिया हुआ, इसी साइज में आपको सेट करना है। मैं आपको सेट करना भी बता दूंगा कि आप कैसे उसको सेट करेंगे। सीधा हम फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे फिल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जहां पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे उसी के ठीक नीचे फिल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप फिल फॉर्म पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में भरी हुई थी, वो सारी डिटेल्स आपकी पहले से प्री फिल हो गया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नीचे आना है। जैसे आप उस पेज के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, देख सकते हैं पेज के बिल्कुल लास्ट में आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ओके के बटन पे आपको प्रेस कर देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, PG है, PhD है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन मांगा, तो मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास है कि अपीयरिंग है, ध्यान दीजिएगा पास और अपीयरिंग दोनों लोग ही भर सकते हैं, तो अगर आप पास है तो पास कीजिए, अगर आप अपीयरिंग है तो यहाँ पे आप अपीयरिंग भी कर सकते हैं। अपीयरिंग में आपको 2024 में ही पास आउट होना जरूरी है, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो मैं जैसे पास हूं तो मैंने आप पास कर दिया है। जैसे आप पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। उसके लिए आपको अपने सबसे पहले अपना स्टेट, यानी कि जिस राज्य से आपने पास किया उस राज्य का चयन करना है। नेक्स्ट आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है, किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है पास किया है, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। नेक्स्ट आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, आपका परसेंटेज कितना है था परसेंटेज डाल देना, अगर CGPA में था तो CGPA में डाल सकते हैं। सब कुछ आपको डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, ये देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पे जो है क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स हमारा सक्सेसफुल हो चुका है।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूछा है कि आप एक्स सर्विस मैन तो नहीं है, क्या आपको उम्र में छूट तो नहीं चाहिए, अगर उम्र में छूट चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। यहाँ पूछ रहा है कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो है शेयर की जा सकती है, अगर आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके लिए आप नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 21 भी पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। बहरहाल मैंने यहाँ पे यस कर दिया है, सेव नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बता दें आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने हैं एक ही रीजन के, यानी जिस रीजन में आप अप्लाई करेंगे उस रीजन के 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। तो मैं पहला जो सेंटर है दिल्ली रीजन ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे NR रीजन जो देख लेता हूँ क्योंकि दिल्ली रीजन हमारा NR में आता है, तो मैंने पहला सेंटर यहाँ पे दिल्ली ले लिया है, दूसरा सेंटर मैंने जो है NR रीजन का ही लेना पड़ेगा मुझे, दूसरा मैंने अजमेर ले लिया है और तीसरा मैंने जयपुर ले लिया। ये आपकी चॉइस है कि आप अपना सेंटर कहाँ पे देते हैं, जिस भी रीजन में लेंगे उसी रीजन के 3 सेंटर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे पूछा कोई आपका फिजिकली वगैरह तो नहीं है, कोई फिजिकली लिमिटेशन है तो आप यहाँ पे उसमें आप जो है दे सकते हैं। पूछ रहा है क्या आप जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, बता दूं इसकी एलिजिबिलिटी अलग है, जिसकी जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट.com पर मिल जाएगी, साथ ही साथ रोजगार रिजल्ट.com पर मिल जाएगी, और अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो पेज नंबर 10 पे यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा है 60% के साथ और मैथ में भी आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, और यहाँ पे स्टैटिकल ऑफिसर के भी देख सकते हैं अलग एलिजिबिलिटी है, तो अगर आपको इसमें डालना है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बहरहाल मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैथ नहीं था मेरा, मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। जो स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट है इसमें भी मैंने नो कर दिया, अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो तो यस जरूर कीजिएगा क्योंकि वेटेज मिलेगा उसमें आपको। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले स्टेप में, यानी कि यहाँ पे आपको लाइव फोटो लगानी है। लाइव फोटो के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है गार्डन में फोटो लगा रहे, इस तरह नहीं होना चाहिए, तो फोटो बिल्कुल ही जो है प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि मेंशन कर रखा है। जब आप कैमरा लेंगे तो आपकी आंखों का जो लेवल है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आपका जो चेहरा है बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा उसको वेबकैम से कीजिएगा या तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बैकग्राउंड लेना है वो बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। फोटो में आपको किसी भी प्रकार का चश्मा, कप, कैप, टोपी वगैरह इस तरह नहीं होना चाहिए, साइड पोज नहीं होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट आपके दिखाई देने हो, क्योंकि आपको पता है SSC जो है फोटो को लेके बहुत से फॉर्म जो है रिजेक्ट करता है, उसका कारण यही रहता है कि कैंडिडेट जो है फोटो नहीं लगाते सही से। दोस्तों एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास वेबकैम है तो यहाँ से सीधा कैप्चर पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको ये जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड होगा, उस ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल से भी फोटो को लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB बीच होना चाहिए और ये जो साइज दिया है उस साइज में सेट होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लड नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए। तो चलिए फोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। दोस्तों जब हम सिग्नेचर लगा रहे हैं तो बार बार इस तरीके की एरर आ रही है, डायमेंशन नॉट करेक्ट, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे चलिए आपको एक सेकंड में बताते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट खोलनी है, जिसका हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स को ओपन करना है आपको, जिसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट ओपन करने पर यहाँ पे आपको ईमेल रिसाइजर वाले ऑप्शन पे जाना है, देखिएगा ईमेल रिसाइजर वाला ऑप्शन है, आपको इस पे जो है क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, देखिए अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको फाइल को अपलोड करना है, जहां पे भी आपका सिग्नेचर हो उस सिग्नेचर वाली फाइल को यहाँ पे सिंपली जो है अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं अपलोड करता हूँ। जैसे आपकी फाइल अपलोड होगी यहाँ पे देख सकते हैं फाइल का जो प्रीव्यू है, यानी कि जो सैंपल है आपका दिखने लग जाएगा सिग्नेचर का। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज साइज का देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है SSC सिग्नेचर, देख सकते हैं पहला ऑप्शन है SSC सिग्नेचर का, आपको इस पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए आपका साइज जो है 10 से 20 KB के बीच नहीं आता है तो आपको दोबारा जो रिसाइज करने के बाद जो डाउनलोड होगा फाइल उसको अपलोड करना है और यहाँ से क्वालिटी में जाके आप उस KB को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको नॉर्मली सिग्नेचर आपका इस तरीके से लग जाएगा, SSC सिग्नेचर करना है और रिसाइज पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का आपका साइज जो है बदल चुका है सिग्नेचर का, और ठीक उसी के नीचे यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, अब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वापस जाना है SSC के पेज पे, यहाँ पे आपको सिंपली जो है अपलोड सिग्नेचर पे जाके जो है क्लिक करके लगाना है। चलिए लगा के दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं सिग्नेचर हमारा लग चुका है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंडों में। तो आपको SSC सिग्नेचर जो है कोई भी आपको एरर नहीं आएगी। अगर एक चीज एरर आ सकती है, साइज का इशू आ सकता है क्योंकि बहुत से लोगों का साइज जो है बहुत ज्यादा रहता है, तो मैंने आपको क्वालिटी का ऑप्शन बताया, अगर आपका फोटो नहीं लगता है तो जो रिसाइज हुआ उसी रिसाइज वाले को दोबारा वहां टूल्स पे जाके अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन पे टूल्स पे जाके अपलोड कीजिएगा और क्वालिटी को 90 है 95 100 करके सेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है लाइव फोटो अपनी लगा देता हूँ।
तो दोस्तों हमारी फोटो सिग्नेचर सबको लग चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आपको अच्छे से चेक करना है। चेक करने पर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। उसका सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन है उस पर आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को मैं यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ। डालने के बाद जो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ कंप्लीट इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर आप एससी एसटी या महिला अभ्यर्थी हो तो फॉर्म आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट भी करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो फीस पेमेंट आप इसका कैसे कर सकते हैं बता दें। इसका पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको डैशबोर्ड में जाना है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सवाल का उत्तर देंगे और आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करेंगे। इस वीडियो को आपने इतना देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। और नई नई भर्ती की जानकारी के लिए सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर लगातार विजिट करते रहिए।